जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को ये चिंता होने लगी होगी क्योंकि आपके सभी ग्रुप में एक दो जो नोटिस या जो डॉक्यूमेंट्स है वो वायरल हो रहे होंगे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को अभी कम से कम 7 या 8 बंदों की वो लिस्ट है, 7 बंदों की, जो आपको पता ही है, आपके ग्रुप में भी आई होगी कि उनका जो वायरल हो रहा है, आपके ग्रुप में भी वायरल हो रही है कि इनका मेडिकल 15 तारीख को है तो फिर फाइनल मेट पोस्टपोन हो जाएगी। ये बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा वीडियो कि फाइनल मेट पोस्टपोन हो रही है, 20 तारीख को नहीं आएगी। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये कितनी सच्चाई है इसमें और क्या सच में आपकी फाइनल मेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, साथ ही बता दूँ जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैथ और रीजनिंग की क्लास में कंटिन्यू चला रहा हूँ, तो आप जाके अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इसमें 7 बंदों की लिस्ट है, ये 44वीं बटालियन SSB की और उसके साथ में 2-3 सेंटर, एक सेंटर और वो भी SSP के अंडर में था, जिनमें जो मेडिकल वाले बंदे थे इन्होंने आपत्ति लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए इनका वापस से मेडिकल करवाने का आह्वान दिया, जिसमें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के, ज़्यादा 5 कैंडिडेट बी कैटेगरी के और 2 कैंडिडेट ए कैटेगरी के दोस्तों। तो इनका जब वापस से मेडिकल 15 जनवरी को इनको डेट दिया, तो CRPF का जो लेटर है इसमें लिखा हुआ है कि इनकी जो मेडिकल की डेट है वो 15 जनवरी को दिल्ली में इनका वापस से फिर से मेडिकल होगा। तो क्या इनका फिर से मेडिकल होगा तो क्या आपकी फाइनल मेट पोस्टपोन होगी, ये बार बार सभी मेरे पास में, जैसे ऐसे कोई आपका ग्रुप एक्टिव होता है तुरंत मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर हमारी फाइनल मेट पोस्टपोन हो रही है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, ये अभी का नहीं है, जिस दिन आपकी जो डेट दी थी ना फाइनल मेट की, 20 जनवरी को आपको फाइनल मेट आएगी, उससे पहले ये चल रहा था, ये तभी का नहीं, उससे पहले चल रहा था। तो जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपको डेट दिए तो ये उन्होंने, उनके मद्देनज़र ये चीज़ें हैं कि हाँ भाई इनका केस चल रहा है, इनके पक्ष में भी आ रखा है, इनका मेडिकल भी होना है। और मैं बताऊँ इतनी बड़ी वैकेंसी है, इसके केस हमेशा कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये वैकेंसी अभी 2017 वाली वैकेंसी पे भी कम से कम 49 या 50 इस प्रकार के केस अभी भी चल रहे हैं, तो वो कैसे ही चलते रहेंगे। आपको पता है कि किसी को छोटी सी प्रॉब्लम, हर एक वैकेंसी में, इतनी बड़ी वैकेंसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर केस डाल देते हैं, तो वो चलती रहती है कोर्ट में, उसकी वजह से आपकी फाइनल मेट इफेक्टेड नहीं होगी। तो जो आपको बोल रहे हैं कि आपकी फाइनल मेट पोस्टपोन होगी, आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि फाइनल मेट पोस्टपोन हो सकती है 20 जनवरी से आगे, तो 20 जनवरी से आगे पोस्टपोन नहीं हो सकती। हाँ, एक दो दिन के लिए आप घबराना नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक दो दिन पहले भी आ सकती है और एक दो दिन लेट भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, 20 के एक दो दिन आसपास में ही आएगी मेरिट, तो इसकी वजह से आपकी फाइनल मेट डिले नहीं होगी। हाँ, इनका 15 जनवरी का मेडिकल होना है, 7 कैंडिडेट है इनके, तो इनकी वजह से आपकी फाइनल मेट कोई इफेक्टेड नहीं होगी दोस्तों। आपकी फाइनल मेट मेरिट जिस हिसाब से टाइम से आनी थी उसी टाइम से आएगी, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता में ना आए, ठीक है। तो आपकी फाइनल मेट 20 या 20 के आसपास में आ सकती है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों।